हे सबको नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी रसोई में आज मैं क्या बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर यदि मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फ्रेंड्स, यहाँ प्याज को हम छोटे छोटे काट लिए हैं, लहसुन को भी कद्दूकस कर लिए हैं और अदरक को भी कद्दूकस कर लिए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े में हम मिर्ची भी काट लेंगे और थोड़ा सा इमली को हम पानी में फूलने दे देंगे गर्म पानी में। और यहाँ पे हम कढ़ाई में तड़का डाल के, पंचफोरन डाल के प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। प्याज मेरा हल्का सुनहरा होने तक हम इसको फ्रेंड्स फ्राई करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम डाल रहे हैं कद्दूकस किया हुआ अदरक। अदरक को भी हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे और फिर हम डालेंगे इसमें लहसुन। अदरक लहसुन को हम साथ भी डाल सकते हैं, साथ के साथ ही हम डालें दोनों को। और यहाँ पे इमली को हम गर्म पानी में फूलने दे दिए थे, इसका हम पल्प निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम हल्दी डाल दिए हैं और अपने स्वाद के अनुसार नमक। अब यहाँ पे हम जो इमली का पल्प था वो भी डाल देंगे ग्रेवी बनाने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा देर हम पकने देंगे प्याज के साथ, ताकि मेरा ग्रेवी जो है वो ठीक बन जाए। यहाँ पे हम इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में। और ये मेरा तैयार हो चुका है ग्रेवी के लिए, प्याज ठीक हो चुका है और इधर मेरा पानी भी गर्म हो रहा है। अब पानी गर्म उबलने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। जितना मुझे चाहिए ग्रेवी, उसके हिसाब से हम इसमें ग्रेवी डाल देंगे। और ये कड़ी बरी है तो बरी भी पानी अपने में सोखेगा, इसलिए इसमें पानी हमें ज़्यादा ही डालना पड़ता है, तो हम पानी उस हिसाब से डाल लेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम बरी की तैयारी कर रहे हैं। बरी बेसन को हम आधा घंटा पहले घोल के रख दिए थे। अब यहाँ पे हम मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची हम पहले तेल में नहीं डालते हैं, नहीं तो फिर उससे खांसी होने लगती है, तो मिर्ची हम थोड़ा बाद में ही डालते हैं। और यहाँ पे हम अब घोल के जो रखे थे बेसन, वो थोड़ा हार्ड हो चुका है। और बेसन हमेशा एक ही तरफ घुमाएं, उससे क्या होता है उसमें जो हवा भरता है वो मेरा बरी अच्छे से फूल के उभर के अच्छा आता है, इसलिए हमें एक ही तरफ घुमाना है। उस बेसन में हम डालें नमक, हल्दी और हल्का सा गरम मसाला। अब यहाँ पे हम तेल से छान के ग्रेवी जो बनाए हैं, ग्रेवी का स्लो गैस कर देंगे और उसमें हम डालते जाएँगे। और बरी जो हम डालेंगे, बरी को हम बिल्कुल लाल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें इसे ग्रेवी में डालना है। अच्छे से पक जाना चाहिए और हल्का सुनहरा होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल लाल होना चाहिए। लाल होने से फिर मेरा जो है बरी ग्रेवी अच्छे से सोक नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे ही गोल गोल बरी बनाएंगे। मेरा पर्पस है कि मेरा बरी गोल बने और रसगुल्ले के जैसा लगे, जूसी और सॉफ्ट, इसलिए हम कोशिश करते हैं मेरा बरी गोल बन जाए तो अच्छा है। हाथ से भी आप बना सकते हैं और इसे चम्मच से भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा गोल हुआ है। अब हम ग्रेवी में इसको डाल देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स, हम सभी जितने भी मुझे बनाना है मेरे घर में, जितना लगेगा उस हिसाब से हम बनाएंगे। और सबको ऐसे ही छानते जाएंगे और हम ग्रेवी में डालते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, तेल में डालते ही ये कैसे ऊपर आ जाता है। ऊपर आने का मतलब है कि ये अच्छे से फूल चुका है और ग्रेवी का जो गैस है बिल्कुल स्लो मीडियम रखेंगे, ताकि वो गर्म तो रहे लेकिन जले नहीं, उबल के बाहर नहीं आए, बिल्कुल गर्म में जूस में बरी जाए, इसलिए हम उसको स्लो गैस पे रखे हैं। तो भी हम वैसे ही डालेंगे जैसे यहाँ पे और सबको डाले हैं। ये कड़ी बरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। कभी फ्रेंड ट्राई करिएगा और आपका कैसा बना
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, इसको हम सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। देख रहे हैं कलर कितना अच्छा आ रहा है, ये हम बिल्कुल लाल नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे से पकना चाहिए, ये मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कच्चा रह जाएगा, तो ये जूस में जाने के बाद बीच में ये गांठ सा दिखेगा। बीच में जब तक ये पकेगा नहीं तो अच्छे से पानी में जाके ये रसगुल्ले के जैसा फूलेगा भी नहीं, इसलिए मुझे ध्यान रखना है। इसको अच्छे से मीडियम गैस पे पकाना है मुझे, स्लो गैस पे। अब ये पक चुका है, फिर इसको भी हम डाल देंगे उसी के साथ कढ़ी में। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी में मेरा कितना अच्छा लग रहा है ये, और जो जो पानी पी चुका है, जो ग्रेवी अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुका है, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, और जो अभी पानी नहीं पिया है वो ऊपर पे रहेगा। इससे हमें पता चलता है कि हाँ, ये भारी हो जाने की वजह से वो नीचे चला जाता है, और जो अभी हम डाले हैं वो ऊपर पे पता चल रहा है, वो जो कि जो हम अभी डाले हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स हम सभी को बना लेंगे। फ्रेंड्स, आपके पास अगर धनिया पत्ता हो और कस्तूरी मेथी हो, जो भी हो, आप इस स्टेज पे यहाँ पे डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और ये मेरा कढ़ी बरी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, खाना हम थाली में लगा रहे हैं। अब पापड़ है, कुछ बरी है, अचार है, और जो हम कढ़ी बड़ी बनाए हैं वो है बिना दही का कढ़ी बड़ी बनाए हैं फ्रेंड्स। आप अगर यदि दही वाला बनाना चाहते हैं तो आप इमली के जगह दही डाल के भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनेगा दोस्तों। कभी इमली डाल के ट्राई करिए। अगर यदि फ्रेंड मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, और दोस्तों को जो खाना चाहते हैं मेरे साथ आके भोजन कर लीजिए।